विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि राज्य सरकार कोविड 19 की बीमारी से निपटने के लिए पूरी तरह से सजग है तथा पूर्ण सजगता के साथ इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। सभी लोगों की कोविड 19, तपेदिक, कुष्ठ रोग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर इत्यादि रोगों के लक्षणों के प्रति स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जानकारी एकत्रित की जा रही है और कोविड के लक्षण पाए जाने पर सैंपल भी एकत्रित किए जा रहे हैं। धर्मशाला में जिला के उच्च अधिकारियों से बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि ये अभियान स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज तथा जिला प्रशासन और अलग अलग गैर सरकारी संस्थानों के सामूहिक सहयोग से चलाया जा रहा है। इस अभियान के लिए जिला कांगड़ा में 1843 टीमें गठित की गई हैं तथा प्रत्येक टीम में दो दो सदस्य शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी कोविड 19 के लक्षण जैसे नजला, जुकाम, खांसी, बुखार, स्वाद या सूंघने की शक्ति में बदलाव, सांस लेने इत्यादि में तकलीफ इत्यादि हो तो वे लोग अपनी जानकारी घर द्वार पर आने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अवश्य बताएं एवं आवश्यकता अनुसार अपनी जांच भी करवाएं। इसी प्रकार यदि किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा इत्यादि की बीमारी है तो वे भी अपनी जानकारी अवश्य दें ताकि ऐसे सभी लोगों की विशेष तौर पर निगरानी की जा सके। उन्होंने कहा कि अभियान के माध्यम से ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जितने भी कोविड 19 के मरीज हैं उनकी टीबी के लिए जांच की जाए एवं जितने टीबी के मरीज हैं उनके कोविड 19 के लिए भी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय समय सीमा से पहले राज्य से तपेदिक को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण कार्यक्रम आरंभ किया गया है। परमार ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार इस महामारी को रोकने तथा लोगों की सुरक्षा के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस महामारी से बचने के लिए सरकार के निर्देशों का पालन करना अति आवश्यक है तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने में ही हम सब की सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के विभिन्न जिलों में कोविड 19 संक्रमण के मामलों के लगातार बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सख्ती के दायरे को और भी बढ़ा दिया है। सामाजिक आयोजन के लिए प्रशासन से आयोजन के लिए अनुमति लेने का प्रावधान कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी आयोजनों के लिए प्रतिभागियों की संख्या 50 तक निर्धारित कर दी गई है। इससे पहले शादी समारोह में भोजन बनाने वाले कैटरिंग स्टाफ के सदस्यों की 96 घंटे पहले कोविड 19 की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रूप से होने के आदेश जारी किए गए थे। इससे पहले उपायुक्त राकेश प्रजापति ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कांगड़ा जिला में कोविड 19 से बचाव के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि कोविड 19 के प्रोटोकॉल की अनुपालना करने के लिए लोगों को नियमित तौर पर जागरूक किया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर गुरदर्शन ने कांगड़ा जिला में कोविड 19 के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके उपरांत विधानसभा अध्यक्ष ने क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अस्पताल के कोविड 19 वार्ड में उपचाराधीन रोगियों से उनका कुशल क्षेम जाना। उन्होंने मरीजों से कोविड केयर सेंटर में उपलब्ध करवाए जा रहे इलाज और सुविधाओं की भी जानकारी प्राप्त की। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना जो लगभग पिछले वर्ष नवंबर में शुरू हुआ था और आज की तारीख तक, आज अगर हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें या कांगड़ा के बारे में देखें, केसेस रुके भी थे, केसेस बढ़े भी हैं और इस दौरान बहुत से लोग ठीक भी हुए हैं, बीच में कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ भी धोना पड़ा है और हिमाचल प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर के विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम जी बहुत गंभीर हैं, इसलिए समय समय पर उन्होंने मंत्रियों को अलग अलग जिलों में जाकर के कोरोना की परिस्थितियों से प्रशासन के साथ बैठ करके मंथन विचार विमर्श करने के लिए कहा है। वैसे तो वो सीधा संवाद वर्चुअली भी करते हैं और वीसी के माध्यम से भी करते हैं, परंतु आज जो मैं यहाँ पर धर्मशाला आया हूँ और यहाँ पर जिलाधीश महोदय
एसपी और हमारे सीएमओ गुरदर्शन जी प्लस पूरा यहाँ का जो प्रशासन है उनके साथ बैठ करके बातचीत हुई। पिछले कुछ एक दिनों से अपने देखा है कि कोरोना के मामले जिला कांगड़ा में प्रदेश के कुछ हिस्सों में बढ़े हैं, इसलिए पूर्व तैयारी के रूप में हम कहाँ कहाँ पर अपनी बेड स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, चाहे वो टांडा मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारा जोनल अस्पताल हो, चाहे इस जिला कांगड़ा में कुछ और अस्पताल हैं, चाहे हमारा सिविल हॉस्पिटल बैजनाथ की बात हो, इत्यादि इत्यादि कुछ एक और अस्पतालों पर भी विचार हो रहा है कि अगर कहीं बहुत संख्या में मरीज पॉजिटिव के आते हैं तो वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जा सकता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके अलावा यहाँ जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे हमारे स्टाफ नर्सिस हैं, चाहे पुलिसकर्मी हैं, चाहे सफाई कर्मी हैं, इत्यादि इत्यादि ऐसे लोगों की सेवाएं पिछले 9-10 महीनों से अलग अलग स्थानों पर दी जा रही हैं। उनकी सेवाओं के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और सफाई कर्मी भाइयों ने जो योगदान दिया है वो बधाई के पात्र हैं। आगे भी सरकार गंभीर है। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, मकसद यही है कि कोरोना की रोकथाम के लिए भी ये नाइट कर्फ्यू बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो हमारे शादी है, ब्याह है, सामाजिक पेंशन है, सामाजिक फंक्शन है, रिटायरमेंट्स हैं, इत्यादि इत्यादि जो सरकार ने एसओपी गाइडलाइन निर्धारित की है उसी के तहत जो है उसी के तहत इनको फॉलो किया जाना चाहिए। और मैंने यही कहा है प्रशासन को कि इसको सख्ती के साथ लागू किया जाए, चाहे हमारे एसडीएम हैं, चाहे तहसीलदार हैं, चाहे डीडीओज हैं, वहाँ पर वो संख्या निर्धारित हो, उन नियमों की धज्जियाँ ना उधेड़ी जाए, ये मैं कहना चाहूँगा।